हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो आपके लिए लाया हूं वो ऑनलाइन अर्निंग के मुतल्लिक ही है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। इस पर आप डेटा एंट्री का काम करके बहुत अच्छे तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊँगा, छोटी सी वीडियो। दोस्तों, आपने सर्च बार में सर्च करना है glassdoor.com, GLASSTOR, glassdoor.com। जब आप ये सर्च करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने कंटिन्यू विद गूगल से आपने इसको साइन इन कर लेना है, यानी कि जो भी आपकी जीमेल आईडी है उसको आपने लॉग इन करना है और आपने साइन इन कर लेना है। जब आप इसको साइन इन करेंगे तो आप जो है अपने इस फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे, और इस पेज पर आने के बाद आपको ये तीन ऑप्शन नज़र आएंगे। इधर आपने एम्प्लॉयड, नॉट एम्प्लॉयड और स्टूडेंट देखा, इसमें से किसी एक पर क्लिक कर दें। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पर क्लिक कर दें। ये पूछ रहा है सिर्फ ये आपसे कि जी आप पहले पढ़ रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो कुछ भी कर दें, कोई मसला नहीं है। तो इसके बाद ये पेज खुलेगा, इस पर आपने सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज, अगर एज ए स्टूडेंट करते हैं तो यहाँ पर वो लिख दें, यहाँ पर सिलेक्ट डिग्री टाइप कर दें, यहाँ डेटा एंट्री कर दें, यहाँ पर आप जो भी आपने आपकी जो भी डिज़ायर जॉब लोकेशन है जहाँ पर आप करना चाहते हैं काम उसको आप फिल कर दें। उस फॉर्म को जब आप कंफर्म करेंगे उसके बाद अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने लिखा अबाउट योर लास्ट जॉब और इंटर्नशिप। आपने कोई अगर लास्ट जॉब की है तो आप इसके बारे में बताएंगे, अगर नहीं की तो कोई ऐसा मजरा नहीं है, आस्क मी लेटर कर दें और अगले पेज पर चले जाएं। लो जी, अब आपका ये प्रोफाइल बन गया जनाब। अब आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, यहाँ पर ये देख लें, हेलो व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर टुडे। आप जब यहाँ पर डाटा एंट्री रिमोट जॉब्स लिखेंगे तो आपके सामने ये सर्च बॉक्स खुलेगा। इसमें आपके सामने आपने लोकेशन डालनी है, पाकिस्तान की डालनी है तो पाकिस्तान की जॉब्स खुलेंगे, नहीं तो पूरी दुनिया की खुल जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक फ्रेश स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है जनाब, PKR 25,000 से 28,000 एम्प्लॉयर आपको ये चाहिए। इसके बाद है फ्रेश ग्रेजुएट रिक्वायर्ड चाहिए इनको, डिजिटल एडवर्टाइज़र चाहिए, ये 30,000 से 35,000 रुपये आपको दे रहे हैं, 35,000 से 76,000 आपको दे रहे हैं। तो ये जॉब्स यहाँ पर भरी पड़ी हैं भाई, जिसको चाहें आप अप्लाई करें। अप्लाई करने का क्या तरीका है अब वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लें, यहाँ से आप देखें इजी अप्लाई लिखा हुआ, इसको क्लिक कर दें। दोस्तों, जब नेक्स्ट करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर ऐड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन करेंगे, या फर्स्ट नेम डालेंगे या लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करके इसको पाकिस्तान करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे, और इसके बाद जनाब यहाँ पर अपना सिटी, शहर और जो सूबा है, स्टेट यानी कि पंजाब, वो लिखकर या सिंध या बलूचिस्तान जो भी आप लिखेंगे, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ऐड ए रिज्यूमे फॉर द एम्प्लॉयर। अब ये अपलोड रिज्यूमे करना है आपने। अब ये रिज्यूमे क्या चीज़ है ये मैं आपको बता दूँ, ये आपकी CV है, यानी कि आपने इसको आपकी जो भी मालूमात हैं, आपकी फ़ोटो, आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्रियां, आपके तजर्बा, सब कुछ जो उसको एक पेज पर बनाकर उसको अपलोड किया जाता है। ये कैसे करते हैं ये भी अभी आपको बता देता हूं, बहुत आसान है। आप कहेंगे यार ये कौन सा मसला है, तो ये देखें यहां पर आप आएंगे canva.com पर, canva.com। जब आप इस पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप ये सर्च बार के अंदर, यहाँ ये सर्च बार है, इसमें जब आप ये टाइप करेंगे डाटा एंट्री रिज्यूमे टेम्पलेट, डाटा एंट्री रिज्यूमे टेम्पलेट्स, ये देख लें। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपके सामने ये टेम्पलेट्स आ जाएंगे, बनी बनाई ये सारी चीज़ें हैं। आपने इनमें से किसी एक को क्लिक करना है, मिसाल के तौर पर आप इसको क्लिक कर लें। आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप इस पेज पर आएंगे। अब इसको आप इस वाले को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे जनाब, इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इसको जब इस पेज पर आएंगे तो इसके बाद आप इसको सारे को, पूरे पेज को अपडेट करेंगे। यहाँ पर अपनी पिक्चर को डालेंगे, इसको यहाँ से क्लिक करके हटा लेंगे, हटा के यहाँ पर अपनी पिक्चर को डाल लेंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको अपना टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ से आप अपना जो भी है, जितना कुछ ये लिखा हुआ है, डिग्रियाँ विग्रियाँ सब कुछ, आप इसको डबल क्लिक ऐसे माउस से करते जाएँ, इसको डिलीट करते जाएँ, यहाँ पर एंटर करते जाएँ, डिलीट करते जाएं, एंटर करते जाएं, डिलीट करते जाएं, एंटर करते जाएं, डिलीट करते जाएं, एंटर करते जाएं। इस तरह ये पूरी CV आपकी तैयार हो जाएगी।
यहाँ से ये ऊपर देखें, इसको यहाँ से आपने शेयर के बटन से ये डाउनलोड है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड होने के बाद जनाब आपके पास आ जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ फॉर्म में जब ये आपके पास आ जाएगी कंप्यूटर के अंदर, तो उसके बाद आपने इसको ओपन करना है जनाब। ओपन करने के बाद इसको आपने सेव कर लेना है अपने पास डेस्कटॉप पर। इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप पर ले आएँ और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लें। अब ये आपके पास एक फ़ाइल आ गई है, इसको पीडीएफ फॉर्म में है। अब इसको आप वेबसाइट पर जाएं वापस और ये अपलोड रिज्यूमे में कर दें। अब जहाँ पर भी ये डेस्कटॉप में आ जाएं, यहाँ पर आपके पास जहाँ भी वो फ़ाइल पड़ी है उसको आप जनाब, ये पड़ी है ब्लू डेटा एंट्री पीडीएफ, इसको ओपन करें और ये आपकी रिज्यूमे अपलोड हो गई जनाब, ब्लू डेटा एंट्री रिज्यूमे। ठीक है, ये देख लें, ये इस तरह आपकी आपकी जो रिज्यूमे है ये अपलोड हो जाएगी। इसको अपलोड करने के बाद आपने अप्लाई विदाउट आ रिज्यूमे भी कर सकते हैं। आपने अपलोड कर दी है, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दें। अब कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद एंटर अ जॉब दैट शोज़ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अब जॉब टाइटल आपका क्या है, कंपनी क्या है, अब ये सोचेंगे ये क्या चीज़ है। इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो इसमें देख रहे हैं कि आपने अगर कोई पहले जॉब की है तो आप कुछ भी लिख दें। हाँ जी मैंने की है जी, आप लिख दें जी मैंने डाटा एंट्री की है। यहाँ लिख दें आप कंपनी कोई भी, ABCZ कोई भी कंपनी का नाम लिख लें और यहाँ से आप इसको कंटिन्यू कर दें। इसको कंटिन्यू करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्लीज़ रिव्यू योर एप्लीकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपने जो भी इसे यहाँ पर फिल किया, ये सारा कुछ आपके सामने आ गया, जो भी आपकी एप्लीकेशन है। और इसके बाद आप इसे सबमिट योर एप्लीकेशन कर देंगे। जब आप ये आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये एक और पेज ओपन होगा। अब ये आपका मेन पेज है जिस पर आप आ गए हो। ठीक है जनाब, ये कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज़ ऑन इट्स वे। अब ये आपकी एप्लीकेशन है, यहाँ से आप एप्लीकेशन को देख भी सकते हैं, एप्लीकेशन पेज को जो आपने अपलोड किया है अपना एप्लीकेशन के लिए, जॉब के लिए अप्लाई किया है, ये देखें दोस्तों। जब आपकी जो है एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगा, उसके बाद जनाब आपको ये वाला आप प्रोफाइल वाला अपना ऑप्शन ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको माई इंफॉर्मेशन, माई कंट्रीब्यूशन, ये सब कुछ आपको, माई अकाउंट, ये आपको विड्रा वगैरह सब कुछ यहीं पर मिलेगा। इसमें आपने विड्रा जो है वो आप अगर पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप बैंक से भी ले सकते हैं, इजी पैसा जैज़ कैश से भी ले सकते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट वगैरह में है वो पेयोनीर वगैरह से ले सकते हैं, पेपाल से ले सकते हैं। तो ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं। आप भी इस पर अपलोड करके अपनी इंफॉर्मेशन को आप जॉब अप्लाई करें और कोशिश करें कि आप अच्छे तरीके से काम करें और कोशिश करें कि 8-10 जॉब्स में आप अप्लाई करें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो किसी किस्म की। दोस्तों ये एक अच्छा और ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, अगर आप इस पर अच्छे तरीके से काम करेंगे तो आपको मानी नहीं रखता कि पैसे ना कमा सकें। छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।